गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स क्लास थर्ड चैप्टर 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्ले विद पैटर्न्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सम फादर प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम चैप्टर। सो ऑल नंबर दैट एंड विथ 1, 3, 5, 7 और 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। बच्चों, हमने ये प्रीवियस जो चैप्टर प्रीवियस पार्ट में इसके हमने ऑड और इवन नंबर्स पढ़े थे। तो ऑड और इवन नंबर्स आपको मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स जिनका एंड होता है कौन कौन से नंबर से, जिनका एंड होता है 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। और जिनका एंड होता है 2, 4, 6, 8, उनको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर्स। तो इसमें ये पूछा गया है राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। 400 और 410 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं उन सबको आपने यहां पर मेंशन करना है। सो जैसे कि हम जानते हैं ऑड नंबर्स का एंड होता है 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे 400 और 410 इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको हमने राइट कर लिया 400, और इसको मैंने राउंड इसलिए कर दिया क्योंकि इनके बीच के नंबर्स को देखना है हमने। सो 400 के बाद 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 एंड 409। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से। तो ऑड नंबर्स का एंड किससे होता है? 1, 3, 5, 7 एंड 9 से। सो 401 होगा एंड 403, देन 405, 407 एंड देन 409। सो दीज आर द सम ऑड नंबर्स बिटवीन 400 एंड 410। नाउ नेक्स्ट राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है अभी हमें 155 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हमने यहां पर लिखना है। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं इवन नंबर्स का एंड किससे होता है? 2, 4, 6, 8। तो हमने कौन कौन से किस किस के बीच में लिखना है? 155 और 165 के बीच में। तो 155 से 165 तक पहले हम पूरी काउंटिंग लिख लेंगे। 155, 156, 57, 58, 59, 60, 161, 162, 163 एंड 164। उसके बाद हमें ये बिटवीन बीच में चाहिए, इसलिए 155 और 165 को मैंने राउंड कर दिया है। अब इसके बीच में देखेंगे जिसका एंड किससे हो रहा है 2, 4, 6, 8 और इस क्लास में जीरो आता है वो होता है। तो इसमें कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 156, देन 158, देन 160, 162 एंड 164। सो दीज आर सम इवन नंबर्स बिटवीन 155 एंड 165। तो ये सारे इवन नंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से आप ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की बेटा पहचान आसानी से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोला है? इफ यू एड 1 टू एनी ऑड नंबर वी गेट एन डैश इवन अब्लिक ऑड नंबर। इसमें बोला गया है हमारे पास कोई ऑड नंबर है और उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं तो जो हमें नंबर्स का रिजल्ट मिलेगा वो ऑड होगा या इवन होगा। सो अभी हम अपनी मर्जी से कोई इवन नंबर से लेते हैं। इवन नंबर्स का एंड 2 से, पहले ऑड नंबर्स का है। ऑड नंबर अपने मन से कोई ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर का एंड 1 से होता है तो हमने 11 ले लिया, उसमें ऐड कर देते हैं 1। सो हमें रिजल्ट क्या मिला? 12। तो अभी हम 12 को देखेंगे ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसका एंड हो रहा है 2 से, तो 2 से इसका एंड होता है वो इवन नंबर्स होता है। सो If we add 1 in any odd numbers, then we get a even number. तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? इसमें इवन नंबर मिलेगा। जब हम किसी odd नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। सो फर्स्ट में इवन नंबर एंड नेक्स्ट इसी तरह से हमें दूसरा पूछा गया है जिसमें कि ये बोला गया जब कभी हम इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो हम एक इवन नंबर्स ले लेते हैं। इवन नंबर का एंड किससे होता है? 2 से, तो हम 12 ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 1। रिजल्ट क्या मिला हमें? 13। अब 13 देखेंगे ऑड नंबर है इवन नंबर है, इसका एंड हो रहा है 3 से, 3 से इसका एंड होगा वो ऑड नंबर होगा। सो व्हेन वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर देन वी गेट द रिजल्ट ऑफ एन ऑड नंबर। तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। जैसे इसमें है 1 हम करेंगे किसी में, इसमें इवन नंबर में प्लस, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड नंबर। सो द आंसर इज ऑड नंबर। एंड नेक्स्ट नेम इन एन ऑर्डर। आदिल हैज टू अरेंज हिज लिस्ट सो दैट द नेम्स स्टार्टिंग विद ए कम फर्स्ट एंड देन कम दोस विद बी सी डी एंड सो ऑन नंबर दीज नेम्स
इन द ऑर्डर इन विच दे विल कम, इसमें बोला गया है आदिल जो है, आदिल क्या है, अपने फ्रेंड्स के नेम को अरेंज करना चाहता है कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में, जैसे सबसे पहले जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है तो ए, फिर बी सी डी जैसे होता है इस तरह से, तो इसमें उनके नेम्स ऐसे मेंशन है तो इसमें हमें नंबर पुट करने हैं। तो सबसे पहले ए देखेंगे तो ए आदिल है, फिर बी देखेंगे, बी ये है बाईचंग टू नंबर, इसके बाद सी देखेंगे हम तो सी यहां नहीं है, डी भी नहीं है, ई तो ई का थ्री नंबर, इसी टाइप से हम इनको नंबर्स देते रहेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, पहले ए में, बी में, सी, अगर सी देखेंगे सी नहीं होगा तो डी देखेंगे, डी नहीं देखेंगे डी, अगर नहीं होगा तो थ्री नंबर हम ई को देंगे जैसे ये है। अब हम एफ देखेंगे, एफ नहीं है तो फोर नंबर हम जी को दे देंगे, तो ऐसे हम इसमें नंबर पुट कर देंगे। नेक्स्ट, जेलस इज प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम, ही सेज इफ यू रीड इट बैकवर्ड्स इट इज स्टिल द सेम। देखिए जलज, जलज जो एक लड़का है उसको प्राउड है अपने नाम पर, क्योंकि उसका नाम क्या है जलज, जे ए एल ए जे, अगर हम इसको अपोजिट पढ़ेंगे, पहले हम यहां पर जे लिख लेंगे, उसके बाद फिर ए लिख लेंगे, फिर एल लिख लेंगे, फिर ए लिख लेंगे और फिर जे लिख लेंगे, तो देखिए यहां भी इसको हम जलज रीड करेंगे और यहां भी इसको जलज रीड करेंगे, तो उसका नाम ऐसा है कि इसको हम उल्टा और सीधा करके एक ही पढ़ेंगे, जलज ही होगा वो। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैव द सेम पैटर्न मार्क राइट, अभी देखिए इसमें ये कुछ नेम मेंशन है, फाइव नेम मेंशन है जिसमें कि हमें इसको मार्क करना है, जिसमें कि जलज के अकॉर्डिंग ही ये अपने इनका पैटर्न है, जिससे कि इनको हम उल्टा करके भी अगर पढ़ेंगे तो वही नेम होगा, तो हर्ष तो नहीं होगा, अन्ना, अन्ना है तो अन्ना को देखिए ए एन एन ए, अभी हम इसको उल्टा कर देंगे ए एन एन ए, तो सेम वही हुआ अन्ना, तो फर्स्ट वन इज अन्ना। नेक्स्ट कनक, तो यहां देखिए कनक के ए एन ए के, इसको हम यहां से लिख लेंगे के ए एन ए के, ये भी सेम हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कनक, बस यही दो नेम्स हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज टॉपिक, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट to me, so you will write down all the solutions in your fair notebook and send me the photos of your solutions. Thank you.